अस्सलाम वालेकुम, मशिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ फिजा राजपूत। सबसे पहले हेडलाइंस। जाम कमाल का वर्किंग वुमेन हॉस्टल के मंसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। अदारे मफलूज हो गए, मुल्क में जारी इंतशार में इजाफा हो गया। मालिक बलोच। इमरान खान का सिपाही हूँ, सियासी मुखालफीन मनफी प्रोपेगेंडा ना करें। नसीबुल्ला मरी। पंचकौर पुलिस लाइन में खुली कचहरी का इनेकाद, सियासी जमातों के सरबराहों समेत बड़ी तादाद की शिरकत। सोहबतपुर में मौलाना मोहम्मद खान शेरानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मगरिब से आने वाली हवा का कम दबाव बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। अवाम पीपल्स पार्टी का साथ दें, हुकूमत से जान खलासी नागजीर हो गई। अली मदद चतक। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीरे आला बलोचिस्तान ने कहा कि रिवायती अंदाज से हटकर मुनफरिद मनसूबा बंदी के जरिए सूबे को आगे ले जाएंगे। महकमा तरक्की खवातीन के तहत PSTP में शामिल 100 मिलियन की लागत के वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, 100 मिलियन की लागत के खवातीन बाजार और 600 मिलियन की लागत से किया। बलोचिस्तान हर लिहाज से मालामाल जरूर है, लेकिन इन वसाइल को बरूए कार लाने के लिए मौसर मनसूबा बंदी की जरूरत है। सूबाई वज़रा अमीर ज़हूर अहमद मिलीदी, मीर मोहम्मद खान लहरी और मुतल्लिका महकमों के हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। नेशनल पार्टी के मरकजी सदर साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा के एहतसाब के नाम पर सियासी रहनुमाओं और सियासी मुखालफीन को निशाना बनाया जा रहा है। नैब के काले कवानीन में तरमीम इस बात की दलील है, कोई गलत काम नहीं किया। सियासी मुखालफीन मनफी प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपनी वजारत में न्यूट्रिशन प्रोग्राम को बलोचिस्तान में फैलाया। डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर मीर नसीबुल्ला मरी। खुली कचहरी में सियासी जमातों के सरबराहों समेत बड़ी तादाद में शिरकत। DPO ने कहा कि अवाम अगर इस तरह खुलकर मसाइल की निशानदही करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि पुलिस की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी और हमें भी अपनी कोताहियों पर तवज्जो देने का मौका मिलेगा। सोहबतपुर में मौलाना मोहम्मद खान शेरानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें इस्लामाबाद के माहिर डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया और मरीजों का चेकअप किया और उन्हें मुफ्त अदवियात फराहम की। इस मौके पर डॉक्टर्स का कहना था कि यहाँ पर हेपेटाइटिस, मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड, दांतों के अमराज समेत दीगर मरीजों का चेकअप किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट mashriq.tv और देखते रहिए मशरिक न्यूज़।